नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। राहुल गांधी वायनाड के अलावा रायबरेली से भी चुनाव लड़ने वाले हैं, यह तय हो चुका है। आखिरी दिन इस सीट पर कांग्रेस ने राहुल के नाम का ऐलान किया और उसी दिन राहुल अपनी मां, बहन और जीजा जी के साथ नामांकन भरने के लिए यहां पहुंचे। शुक्रवार को राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से अपना नामांकन फॉर्म भरा। इस दौरान कलेक्ट्रेट में उनके साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद रही, लेकिन इस दौरान जो देखने को मिला उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यहां सोनिया गांधी सबसे पहले डीएम के दफ्तर में पहुंच गई थी। रिटर्निंग अफसर सह रायबरेली डीएम हर्षिता माथुर के चैंबर में पहले ही कुछ कुर्सियां इनके लिए लगाकर रखी हुई थी। 77 साल की सोनिया बिना किसी सहारे के चलती है, इसलिए वो सीढ़ियां चलकर जल्दी से ऑफिस में पहुंच गई। लेकिन 81 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को सीढ़ियां चढ़ने में सहारे की जरूरत पड़ती है, इसलिए बाकी लोग खड़गे के साथ पीछे ही रह गए। सोनिया ने कमरे में पहुंचते ही डीएम का अभिवादन किया और फिर खड़गे का रास्ता देखने लगी। सोनिया गांधी के सामने एक दर्जन खाली कुर्सियां लगी थी, लेकिन वो बैठी नहीं। जब खड़गे कुछ देर सामने नहीं आए तो वो वापस दरवाजे की तरफ गई और जब उन्हें दिख गया कि खड़गे लोगों की मदद से आ रहे हैं तो वे आश्वस्त हो गई। इसके बाद खड़गे और सोनिया दोनों कुर्सी पर बैठ गए। सामने डीएम बैठी थी और उनके सामने पूरा गांधी परिवार, प्रियंका, राहुल और सोनिया साथ में दामाद वाड्रा। सबने हाथ जोड़कर डीएम का अभिवादन किया। अब सवाल यह है कि रिटर्निंग अफसर और डीएम ये महिला कौन है जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आपको बता दें कि आईएएस हर्षिता माथुर रायबरेली की मौजूदा डीएम है। वे भोपाल की रहने वाली हैं। उनका जन्म 18 सितंबर 1988 को हुआ था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई के बाद ही सिविल सर्विसेज में आने का फैसला कर लिया था। इसके बाद हर्षिता माथुर ने साल 2013 में यूपीएससी क्रैक किया और डीएम बन गई। उनके पति अनुज सिंह भी 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अनुज बिहार के रहने वाले हैं और 2017 में दोनों की शादी हुई थी। आईएएस हर्षिता माथुर की पहली पोस्टिंग साल 2015 में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मुरादाबाद में बतौर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हुई थी। 9 महीने बाद साल 2016 में उनका ट्रांसफर मेरठ कर दिया गया, लेकिन उन्हें असली शोहरत गोरखपुर में मिली। दरअसल 2 मई 2017 को उनकी पोस्टिंग बस्ती से सीडीओ के पद पर की गई थी और उनका काम सीएम योगी को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने गृह जनपद गोरखपुर की जिम्मेदारी हर्षिता माथुर को सौंप दी, जहां कोरोना काल में शानदार काम कर वे खूब पॉपुलर हुई। इसके बाद सितंबर 2013 में हर्षिता माथुर को रायबरेली का डीएम बना दिया गया। उनके पति अभी सीतापुर जिले के डीएम। रायबरेली से पहले हर्षिता माथुर कासगंज की डीएम थी। बहरहाल, आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।